एपिसोड समर्पित है उन स्वास्थ्य कर्मचारियों को जो झूठे मेडिकल बिलों की खातिर हमेशा बीमार रहते हैं। ये जो पहली दवाई है ये किडनी ट्रबल के लिए दी जा सकती है और इसका एक हफ्ते का बिल तकरीबन 300 रुपए होता है। इसी तरह अगर किसी इंप्लॉय ने पैंट या शर्ट सिलवानी हो तो ये दूसरी दवाई का 2 हफ्ते का कोर्स लिखवा सकता है। आप ये दवाइयां अच्छी तरह नोट कर लें। जनाब ये बायोकेमिस्ट्री की क्लास है या कोई मेडिसिन की? भैया आपको नहीं मालूम ये नया कोर्स शुरू हुआ, यहाँ जाली मेडिकल बिल बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। कुत्ते को टांग दर्द, कुत्ते को पेट दर्द, कुत्ते को हर्निया। भाई मेडिकल रीइंबर्समेंट फैसिलिटी का ये मतलब नहीं कि आपके घर का कुत्ता भी बीमार होगा उसके इलाज पे किया हुआ खर्चा भी आपको दफ्तर वापस करेगा। सर ये कुत्ता हमारा फैमिली मेंबर है, इसे हमने बच्चों की तरह पाला। भाई कल को आप कहेंगे हमने एक बीमार हाथी रख लिया, अब उसका इलाज भी दफ्तर करवाए। यू डोंट वेस्ट माई टाइम एंड प्लीज गेट आउट। ठीक है सर, फिर आप कुत्ते का बिल लेने दें, मेरी वाइफ का एक बिल आया होगा सर, वो क्लियर कर दें प्लीज। सर एक ही बिल है सर। एक नहीं मिस्टर भट्टी, यहाँ ढेर लगा हुआ मेडिकल बिल्स का। मुझे समझ नहीं आती कि ये दफ्तर है या अस्पताल है, जिसे देखो वही बीमार है, वही बीमार है। सर अब बीमारी पे किसी का क्या अख्तियार है, बीमारी कौन सा लगने से पहले हेल्थ डिपार्टमेंट की परमिशन लेती है। भाई लेकिन आपको मालूम है हमारे स्टाफ का हर मेंबर एक महीने में एवरेज 300 रुपए की दवाइयां खा जाता है। वेरी गुड सर। सर इससे पता चलता है कि आपके दफ्तर में कितना काम है सर, इसलिए मेंटल टेंशन है, दवाइयों की खपत है सर। यू आर राइट। वैसे आपका बिल कितने का है? सर 310 रुपए का सर। अच्छा अच्छा मैं देखता हूँ, बैठिए। 310 रुपए हैं? अरे ये तो ऊपर ही पड़ा है, मुझे ढूंढना भी नहीं पड़ा। सर इसी बात के तो मैं चपरासी को 10 रुपए देता हूँ कि आपको ढूंढना ना पड़े। क्या मेरा मतलब सर दवाइयाँ इतनी महंगी हो गई हैं कि 200-300 से कम बिल बनते नहीं सर। ये किस चीज की दवाइयाँ हैं? ओ सर क्या है कि मेरी बीवी हार्ट पेशेंट है सर। यू आर वेरी लकी, वरना आमतौर पे बीवियों की वजह से शोहरों को हार्ट ट्रबल हुआ करती है। वो तो सर जब हमारी शादी हुई थी तो डॉरी एग्रीमेंट में ये क्लॉज रखी गई थी कि अगर बीवी की वजह से मुझे हार्ट ट्रबल हुई तो ये इलाज का खर्चा सर ससुराल वाले देंगे। वेरी इंटेलिजेंट क्लॉज। ये लीजिए। थैंक यू सर। हेलो, हाँ गुप्ता जी, मेडिकल बिल्स की बाकी फाइल्स भी भेज दीजिए, मैं क्लियर कर ही दूँ। कई बार तो मुझे लगता है मेरा मेन जॉब मेडिकल बिल्स क्लियर करना ही है। मिस्टर भट्टी कॉफी पिला दीजिए, 310 रुपए मिले हैं। मेहनत की कमाई आखिर। मेहनत? इसमें क्या मेहनत है? पहले कोई बीमारी ढूंढनी, फिर किसी डॉक्टर से पर्ची बनवानी, फिर केमिस्ट से बिल लेना, फिर वो बिल डॉक्टर से क्लियर करवाना, खून पसीने की कमाई आखिर। अरे भाई आप ये सब एजेंट के थ्रू क्यों नहीं करवाते? सिर्फ 10% कमीशन लेता है और सारी सरदर्दी उसकी, खुद ही वो डॉक्टर्स को कांटेक्ट करता है और खुद ही केमिस्ट से सब रसीदें वगैरह इकट्ठी करके देता है। हाँ है तो ये भी सोशल सर्विस ही। आपसे मिलने आया है। हाँ तो भाई भेज दो, यहाँ भेज दो। अच्छा भाई मैं भी चलती हूँ, अभी बहुत काम पड़ा है। अच्छा अगर वो एजेंट आया ना तो उसे मिलवाना। लगता काम का आदमी है।
हो रहे हैं। अच्छा अच्छा ओ भगवान दास दुखा भाई यार बस अभी भी हाँ यार मेरा दोस्त है कुर्सी यहाँ यहाँ आ जा यार बैठ। अब सुना क्या हाल है तेरा? बस ठीक है यार, तू सुना तेरा क्या हाल है? भी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तू कहाँ रहता भाई? ना कोई चिट्ठी ना कोई पत्र, हमारे डाकिये पे विश्वास नहीं रहा, मुझसे कोई गलती हो गई भाई? नहीं नहीं यार, ऐसी तो कोई बात नहीं, बस यूं ही। लेकिन हुलिया क्या बना रखा, दाढ़ी को ऐसे बढ़ा रखी है जैसे आशिकों को ट्यूशन पढ़ाता हो। देख यार, फालतू में हंसाने की कोशिश मत कर, बात यह है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा अच्छा, ये बता पहले पिएगा क्या यार? मैं तो दवा ही पीऊंगा। और दवा भी पी लेना है यार, पहले तुझे दवा के पैसों की कॉफी पिलाते हैं। और रामदेव जी साहब, भाई दो कप कॉफी ले आना। अच्छा साहब। अच्छा सुनो जी साहब, तीन कप ही ले आना। पर साहब मैं तो चाहा पीता नहीं, मैं अपने लिए दूध में पत्ती लगा लूंगा साहब। वो भी तेरे लिए कौन मंगवा रहा है? तीसरा कप सुषमा जी के लिए, उन्हें दे देना। अच्छा ठीक है जी। खैर अब बता दो ये बीमारी क्या? यार गांव में मेरी बीमारी किसी की समझ में नहीं आई। लो वो तेरी बीमारी है या पाइथागोरस थ्योरम है जो किसी को समझ नहीं आई? अरे भाई किसी को क्या, किसी डॉक्टर तक को समझ में नहीं आई। ये देख डॉक्टरों की पर्चियां, इलाज करवा करवा के मैं तो कंगाल हो चुका हूँ। वो तू फिक्र ना कर यार, अब तू मेरे पास आ गया, अब मैं तेरा इलाज करवाऊंगा शहर में। लेकिन यार मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं बची। वो तू फिक्र ना कर यार, इसका भी इलाज है। हम ऐसे करेंगे कि यहाँ नहीं यार, कैंटीन में चल के बात करते हैं। देख इलाज चलेगा तेरा, लेकिन अस्पताल की पर्चियों पे नाम होगा मेरा। अच्छा अच्छा, जो भी खर्चा होगा वो तुझे दफ्तर से मिल जाएगा। हाँ लेकिन ये किसी को बताना नहीं यार, मेरी बीवी को भी नहीं, उसे जरा इधर उधर बातें करने का चस्का है। देखना यार तू कहीं मेरे कारण फंस ही ना जाना। नहीं फंसता यार, तू मेरी बीवी को देख, पिछले 6 साल से कागजों में हार्ट पेशेंट है, लेकिन वैसे इतनी हट्टी कट्टी है, एक दहाड़ मारे तो 6 डॉक्टरों को एट ए टाइम हार्ट अटैक हो जाए। अच्छा और क्या, कल तू ठीक 9 बजे अच्छी तरह से दंत मंजन करके सिविल अस्पताल पहुंच जा, तेरा इलाज शुरू। शादीराम 160 रुपए। 160 रुपए। जसपाल भट्टी 952 रुपए। सिर्फ 52 या 952 सर? 952 ही है सर। दिखाना कौन सी दवाइयाँ लिखी हैं? अगले महीने मैं भी यही बिल बनवाऊंगी, कब से सोच रही हूँ एक वॉशिंग मशीन खरीदूं। 952 रुपए, कमाल है, कोई खास ही बीमारी लगती है, है? इसे तो मुझे तो आज ही बिल क्लार्क ने बताया मिस्टर भट्टी के आपके दोनों गुर्दे तकरीबन खराब हो चुके हैं। दोनों गुर्दे खराब? ओ भगवान अब क्या होगा तेरा? यानी डॉक्टर ने आपको कुछ भी नहीं बताया इस बारे में? नहीं सर। हाँ सर बताया था सर, लेकिन सर ये नहीं बताया था। खैर मेरे ख्याल से आपके दोनों गुर्दे बच सकते हैं अगर आप ठीक तरह से इलाज करवाएं तो। लेकिन सर अगर दोनों गुर्दे खराब हो जाए तो बचना मुश्किल नहीं सर? नहीं नहीं मिस्टर भट्टी आप घबराइए नहीं, आजकल तो गुर्दे बदले भी जा सकते हैं, आप चिंता क्यों करते हैं, भगवान आपकी मदद करेगा। सर अब भगवान क्या मदद करेगा, उसकी मदद तो मैं कर रहा था। देखिए इस तरह घबराहट में अनशन बोलना छोड़िए और मेरी मानिए तो सीधे सिविल अस्पताल में भर्ती हो जाइए। नहीं सर मैं वहाँ भर्ती नहीं हो सकता। क्यों भाई? सर अगर बात लीक होगी मैं तो सस्पेंड हो जाऊंगा। क्या मतलब? मेरा मतलब सर अगर मेरी बीवी को पता चल गया तो उसे बड़ा सदमा पहुंचेगा, वो हार्ट पेशेंट है ना सर। यू आर राइट, लेकिन आपको अपनी बीवी को बताने की जरूरत क्या है? मेरा मतलब हम आपको डेली भेज देते हैं टूर पे, वहाँ डॉक्टर्स भी अच्छे हैं, वहाँ इलाज कराइए, 15-20 दिन में ठीक हो जाएंगे। ये ठीक है, ये सूट करता है सर। ठीक है आप ऐसा कीजिए, ये 20 गोलियां 30 कैप्सूल 1 बोतल सिर्फ 3 पैकेट कॉटन और ये 15-20 इंजेक्शन और ले आए। डॉक्टर साहब पेशेंट को दवाइयों की दुकान खुलवा के देनी है? दवाइयां आ जाए तो नर्स को बता देना। वैसे डॉक्टर साहब और कितनी देर चलेगा इलाज?
देखिए पेशेंट के गुर्दे भी काम कर रहे हैं और वो... आप चाहते हैं कि पहले गुर्दे काम करना बंद कर दें उसके बाद आप गुर्दे बदलेंगे? अरे नहीं, मेरा मतलब है हो सकता है पेशेंट के गुर्दे बदलने की जरूरत ही ना पड़े, वो वैसे ही ठीक हो जाए। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। ओके शुक्र है यार तू ठीक और मैं प्रसाद बांटू। प्रसाद तो मैं बांटूंगा यार। तू कैसे बांटेगा अभी, नौकरी तेरी खतरे में है या मेरी? लेकिन यार तूने खुद ही तो कहा था मेरे नाम से इलाज करवा ले। मुझे क्या पता था यार, मैंने सोचा 5-7 दिन में तो ठीक हो जाएगा, पैसे दफ्तर के एहसान मेरा हो जाएगा, और यहाँ 20 दिन हो गए घर छोड़े हुए। दवाइयाँ आ गई? जा रहा हूँ वही लेने जा रहा हूँ। फटाफट जल्दी कर यार उठो। क्या हुआ भाई? वो मारे गए यार, मेरा बॉस आ गया। बॉस आ रहा है? अच्छा तू ऐसा कर, तू यहाँ लेट जा मेरी जगह। लेट जाना। और सुन, अगर वो नर्स आ गई ना तो सर पे कपड़ा ले लेना। ठीक है भाई। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आप लेटी। ऐसे ये बताइए कि आपकी तबीयत कैसी है? अब ये थोड़ा सा फ्रूट मैं लाया था। मैं तो सर बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आपने ये फ्रूट की तकलीफ क्यों की सर? नहीं, वो दरअसल आपका 25 रुपए का पुराना बिल क्लियर हुआ था, तो मैंने कहा 25 रुपए देता इंसान अच्छा नहीं लगता, इसलिए थोड़ा सा फ्रूट ले आया। वो तो सर ठीक है, लेकिन आप अचानक दिल्ली कैसे आ गए? वो क्या है कि मेरी अचानक एक मीटिंग निकल आई थी यहाँ दिल्ली में, तो मैंने सोचा अब दिल्ली तो आया हुआ हूँ तो तुम्हारा हाल चाल भी पूछता चलूँ। क्या जरूरत थी? क्या मतलब? सर मेरा मतलब है कि डॉक्टर की नेचर ही कुछ ऐसी है कि वो ज्यादा मिलने जुलने वालों को पसंद नहीं करता। अच्छा, यानी इस बीमारी में इन्फेक्शन का भी खतरा होगा? नहीं। यस सर। ओके देन मैं चलता हूँ। गेट वेल सून। आई विल सर, आई विल। ओके टेक केयर। पूरे 20 दिन हो गए उन्हें ट्रेनिंग पर गए हुए, कोई चिट्ठी नहीं, कोई मैसेज नहीं। आप घबराए नहीं, मैं कल दिल्ली गया था टूर पे तो मुझे मिस्टर भट्टी मिले थे, बिल्कुल ठीक ठाक थे। लेकिन वो लेटर तो लिख सकते थे ना? अब लेटर की आपको क्या बताऊं, दरअसल उन्हें ऑफिशियल लेटर्स भी लिखने नहीं आते। क्या? अरे मेरा मतलब है कि ट्रेनिंग में शेड्यूल इतना टाइट होता है कि लेटर लिखने की फुर्सत नहीं मिली होगी। और जहां तक मैसेज का सवाल है, मैसेज तो मेरे हाथ में उन्हें भेज दिया था कि वो ठीक ठाक है, आप उनकी बिल्कुल फिक्र ना करें। देखिए ना, फिक्र तो हो ही जाता है। लकी मैन। अभी डॉक्टर साहब आए थे, उन्होंने कहा कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस 2-3 दिन में छुट्टी मिल जाएगी। वो तो ठीक है, लेकिन इससे पहले हमें अस्पताल के सारे बिल क्लियर करवाने होंगे, वरना यहाँ से निकाल के वो जेल में डाल देंगे। हाँ यार, लेकिन बिल कितने का होगा? 4-5 हजार से कम क्या होगा यार? तो ले लेना अपने ऑफिस से। फिर दफ्तर वाले तो पैसे तब देंगे जब हम ये बिल वहाँ सबमिट करवाएंगे, उस चीज को तो टाइम लगेगा, यहाँ तो पैसे अभी भरने पड़ेंगे। यार ये दफ्तरों में कोई एडवांस का सिस्टम भी होना चाहिए। रखी थी हमने ये डिमांड कि हर मुलाजिम को महीने के शुरू में ही बीमार होने के लिए एडवांस मिलना चाहिए, रिजेक्ट हो गई। फिर तो एक ही तरीका बचा है। कौन सा तरीका? वही जो मैंने तुझे पहले बताया था। क्या बताया था? तू ऐसा कर, मेरे गांव चला जा, वहां मेरे घर के पिछले कमरे में घुसते ही बाई हाथ एक अलमारी है, उस अलमारी के ऊपर वाले खाने में कपड़ों के नीचे एक बंदूक रखी हुई है। बस समझ की, पैसों का इंतजाम तो हो गया। और सुन, वो जाते जाते अपने बॉस को फोन करके बोल देना कि तू अब बिल्कुल ठीक है, कहीं वो दोबारा तेरा हाल पूछने ना चला आए। हाँ, उसे फोन करना भी जरूरी है। आज ही मिस्टर भट्टी का टेलीफोन आया था, वो बिल्कुल ठीक ठाक है। क्या उन्हें क्या हुआ था? एक्चुअली आई एम सॉरी मिसेस भट्टी, हमें आपसे छिपाना पड़ा, वो किसी ट्रेनिंग पर नहीं गए थे, वो दिल्ली के हिट एंड ट्रायल हॉस्पिटल में दाखिल है। क्या कह रहे हैं आप? देखिए आप घबराइए नहीं, जरा ध्यान से सुनिए। एक्चुअली उनके गुर्दे फेल हो गए थे, लेकिन अब वो ठीक है, 2-4 दिन में वापस आने वाले हैं। आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप मुझे उनका एड्रेस दीजिए, मैं कल ही दिल्ली जाऊंगी। हाँ श्योर, आप नोट कीजिए। हिट एंड ट्रायल हॉस्पिटल, रूम नंबर 13, बेड नंबर 13।
लकी वेट, लकी रूम, लकी मैन। लकी? क्या लकी? कौन लकी? अरे भैया, अरे कौन हो तुम? अरे क्या चाहिए? 5,000 रुपए भगवान दास के इलाज का खर्चा। भगवान दास अपने हेडमास्टर का लड़का? हाँ ठीक समझे। अरे भैया पीछे जितने मर्जी ले ले पर इसमें से गोली ना चलाइयो। गोली? सेठ जी इसमें गोलियां तो है ही नहीं है? मैं तो इसे आपके पास गिरवी रखने आया था। अरे तो ऐसे बोलना, बैठ जा बैठ जा। अच्छा अच्छा, अरे भगवान दास तो अपना खासो खास आदमी है, उसके लिए पैसा चाहिए ना। आजकल है कहाँ वो? वो दिल्ली के एक अस्पताल में है। बेचारा बीमार था लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक हो गया। शुक्र है वो बेचारा ठीक हो गया। यहाँ उसने बहुत इलाज करवाया लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ा। आप सीधा वहीं जा रहे हैं ना उसके पास दिल्ली? नहीं सेठ जी, पहले मैं एक दिन के लिए घर जाऊंगा। घर से बाहर धक्के खाते हुए काफी दिन हो गए। प्रीति बेचारी फिक्र कर रही होगी। हाँ तेरा नंबर वाला पेशेंट भी तो बहुत अनलकी निकला। कौन? वो जसपाल भट्टी जिसकी किडनी खराब थी? किडनी तो एकदम ठीक हो गई थी, वो बिल्कुल रिकवर भी कर गया था। फिर शायद कोई इंजेक्शन रिएक्ट कर गया एंड ही डाइड। कई बार दवाइयों में भी मिलावट होती है। लेट्स वेट फॉर द पोस्टमार्टम रिपोर्ट। एक्सक्यूज मी, 13 नंबर कमरे में मिस्टर भट्टी होंगे। कमरा किधर है? कौन वो जसपाल भट्टी? उनकी तो 7 तारीख को डेथ हो गई थी। नहीं! आप मुझे इस तरह अकेले छोड़कर चले गए और आपने ये भी ना सोचा कि मेरा क्या होगा। जिंदगी का भार मैं अकेले कैसे उठाऊंगी? जब भी घर में किट्टी पार्टी होती आप ढेर से बर्तन मिनटों में साफ कर देते थे। आपको तो मालूम है ना, आजकल पति मिलना आसान है लेकिन बर्तन साफ करने वाले मुश्किल। प्रीति? बेचारा भट्टी बड़ा नेक दिल इंसान था। जब कभी उसका बिल पास होता मुझे कॉफी जरूर पिलाता था। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो एक ईमानदार आदमी था। बिल बाद में पास होता, 50% वो पहले मेरे हाथ में थमा के जाता। मानना पड़ेगा, he was very social also. हर डॉक्टर हर केमिस्ट उसे हंसकर मिलता था। यादाश्त भी उसकी कमाल की थी। हर दवाई का नाम, उसकी कीमत उसे जुबानी याद थी। अब किसकी कितनी लिखी है भगवान ही जानता है। भगवान तो भगवान को प्यारा हो गया लेकिन मुसीबत तो हमारे गले आन पड़ी है। मैं तो कहती अपने बॉस को साफ साफ सब कुछ बता दो। नहीं नहीं, अगर बॉस को पता चल गया कि मैं जिंदा हूँ और अपने नाम से दोस्त का इलाज करवाता रहा, वो तो मुझे टर्मिनेट करवा देगा, मुझे जेल भी हो सकती है। एक तो मुझे तुम्हारे बॉस की समझ नहीं आई, रोज देखो अफसोस करने चला आता है। तेरी आंख के आंसू पी जाऊं ऐसी मेरी। साहब जी। क्या भाई? मिसेस भट्टी का खाना पैक कर दिया है, आप अफसोस करें। हाँ ठीक है ठीक है, तुम ऐसा करो तुम बाहर गाड़ी को कपड़ा मारो चल के। जी बहुत अच्छा। अभी बहुत देर हो गई है। एक तो घर में छिपे छिपे मेरा दिमाग चलना बंद हो गया, समझ नहीं आती करूं तो करूं क्या। अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। मैं तो कहता हूँ किसी तरह से तुम मेरी ग्रेच्युटी और प्रोविडेंट फंड निकलवा लो, हम ये शहर छोड़कर भाग जाएंगे कहीं और बिजनेस कर लेंगे। ये मैं आपके लिए खाना बनवा के लाया था। आपने यूं ही तकलीफ की, मैंने अभी आधा दर्जन केले खाए हैं। क्या? मेरा मतलब है भूख ही कहाँ लगती है, सुबह आधा दर्जन केले मंगवाए थे, भूख ही नहीं लगी। प्रीति जी आप कब तक अपने आप को इस तरह से भूखा रखेंगी, आखिर इतनी लंबी जिंदगी काटनी है। वही तो मैं सोच रही हूँ खुराना साहब, इतनी लंबी जिंदगी कैसे कटेगी अकेले। मेरा भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा हाल है। जब से मेरी बीवी का इंतकाल हुआ है एक एक दिन बहुत मुश्किल से कट रहा है। आप तो फिर भी मर्द हैं खुराना साहब, लेकिन एक औरत के लिए अकेले रहना और भी मुश्किल है। अगर आप
बुरा ना माने तो मैं आपसे शादी कर सकता हूँ। क्या मिस्टर भट्टी के जीते जी आप मुझसे शादी करेंगे? मिस्टर भट्टी जिंदा है? मेरा मतलब है उनकी याद अभी भी मेरे दिल में जिंदा है। इतनी जल्दी मैं किसी और से शादी कैसे कर सकती हूँ? खैर कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा। 6 महीने 8 महीने आप मुझ पर एक एहसान करिए। आप हुक्म कीजिए। मिस्टर भट्टी के प्रोविडेंट फंड और ग्रेचुटी जरा जल्दी दिलवा देते, कुछ पैसों की जरूरत थी। ओ श्योर, व्हाई नॉट, मैं एक आध दिन में ही, बल्कि अभी जाता हूँ, ये तो मैं आज ही करवा दूंगा। कोई और सेवा मेरे लायक हो तो बताइए। थैंक यू खुराना साहब। अच्छा जी मैं चलता हूँ। आप बैठिए। अगर आज मैं कागजों में मर ना गया होता तो मैं बाथरूम से निकल के उस खुराने के 2 थप्पड़ मारता। थप्पड़ तो मैं भी मार सकती थी अगर मुझे तुम्हारी ग्रेचुटी और प्रोविडेंट फंड का ख्याल ना होता। उस उल्लू की हिम्मत तो देखो, मेरे जीते जी मेरी बीवी से शादी के सपने देख रहा है। एक और डालो। अरे साहब अब बस भी करें, 10 चम्मच चीनी के तो मैं पहले डाल चुका हूँ, और कितनी चीनी डलवाएंगे साहब? मेरा ध्यान कहीं और लगा हुआ था, इसमें से 9 चम्मच निकाल लो। क्या साहब? सर गजब हो गया सर। क्या हुआ? मिस्टर भट्टी जिंदा है सर। नहीं ये नहीं हो सकता, मैं फिर से रंडवा हो जाऊंगा। क्या कह रहे हैं आप सर? मेरा मतलब है ये कैसे हो सकता है? सर जब मैं मिसेस भट्टी को ग्रेचुटी का चेक डिलीवर करके बाहर निकला तो मैंने अंदर से किसी के हंसने की आवाज सुनी, फिर और मैंने खिड़की से झांक कर देखा। क्या ये हुई ना बात, चेक भी मिल गया और किसी को पता नहीं चला कि मैं यहाँ हूँ। मैं तो कहती हूँ हमें आज रात ही शहर छोड़ के चले जाना चाहिए, किसी को पता चल गया तो फंस जाएंगे। प्रीति कई बार तो मैं बाल बाल बच गया, एक बार वो बॉस का बच्चा अस्पताल आ गया, अगर उसे वहां पता चल जाता कि इलाज मेरा नहीं मेरे दोस्त का चल रहा है वो तो मुझे उसी वक्त अंदर करवा देता। अंदर तो मैं उसे अब भी करवा दूंगा, उसने दफ्तर के साथ भी धोखा किया है और मेरे साथ भी। हेलो जरा पुलिस स्टेशन देना। घबराओ नहीं प्रीति, जेल से वापस आकर मैं नए सिरे से नई जिंदगी शुरू करूंगा। क्या करोगे, तुम्हारी तो नौकरी भी छूट गई है। तो क्या हुआ, मैं कोई अपना बिजनेस कर लूंगा। कौन सा, तुम्हें तो ढेले भर का एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस बहुत है मुझे, मैं कोई अपनी एजेंसी खोल लूंगा। किस चीज की? जाली मेडिकल बिल बनाने की। बिल का मामला है यूं ना करो सजन, तौबा खुदा के वास्ते कुछ तो करो शर्म। बिल का मामला है। छोटा सा बिल है मेरा, इसमें से आधा तेरा, बीवी ने मांगी साड़ी, मुश्किल ने आकर घेरा, डॉक्टर ने लिखी बीमारी, किया ना मैना मेरा, केमिस्ट ने हिस्सा मांगा, जाली बिल बना के मेरा, तू भी बिल पास ये करते दे दूंगा हिस्सा तेरा, ओ जितना करो सजन। बिल का मामला है बिल का मामला है।